हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ऑटोमेटिक जेड एक्स वेरियंट, टॉप एंड वेरियंट है ये। अभी मान लो कि आपकी ये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा है, इसकी बैटरी लो हो चुकी है, बैटरी डाउन हो चुकी है। सो ऐसे कंडीशन में आपको ये कार जो है वो टो करनी है, लेकिन ये तो ऑटोमेटिक कार है। सो ऑटोमेटिक कार जो है, अगर बैटरी चार्ज रहती है तो ही वो न्यूट्रल मोड में आ सकती है कार ऑन होने के बाद। लेकिन अभी ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि अभी कार की बैटरी जो है वो टो हो चुकी है या फिर कार बंद हो चुकी है। सो हमें जो है वो न्यूट्रल मोड में लानी है अभी। सो ऐसे कंडीशन में एक फीचर दिया हुआ रहता है जिसको बोलते हैं शिफ्ट लॉक, वो हर एक ऑटोमेटिक कार के अंदर रहता है। सो अभी मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का जो ये शिफ्ट लॉक है, अगर कार बंद रहती है सो तभी भी हम कैसे ये कार जो है पार्किंग मोड से न्यूट्रल मोड में ला सकते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, ये अभी हमारी ये की है, ये की को हमें इसका जो मैनुअल फंक्शन है, यानी जैसे हम मैनुअली ये की को निकालते हैं, वो हमें निकाल लेना है। सो अभी मैं पहले क्या करूँगा, इसकी जो की है इसे मैं निकाल लूँगा। सो अभी देखिए, मैंने जो की है उसे निकाल लिया है। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो एक लॉक दिख रहा है उसे हमें ओपन करना है, निकालना है। सो हमें अभी क्या करना है, ये देखिए, अभी ये लॉक जो है ये मैंने निकाल लिया है। सो अभी बेसिकली हमें क्या करना है कि ये लॉक निकालने के बाद में ये की जो है, ये की को हमें इसके अंदर डालना है, और फिर इसके अंदर डालने के बाद ये गियर नॉब जो है वो न्यूट्रल मोड में आ सकता है। सो अभी देखिए, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। सो अभी इसे मैंने प्रेस कर दिया है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, इसे अभी मैंने प्रेस कर दिया है। अभी प्रेस करने के बाद ये नॉब जो है वो नीचे आ जाएगा। अभी एक सेकेंड, ये देखिए, अभी कार जो है वो न्यूट्रल मोड में आ चुकी है। सो अभी मैंने हैंड्रेक जो है वो लगाया हुआ है, अभी हैंड्रेक में निकाल लूँगा। आप ये देख सकते हो कार बंद है, और अभी ये देखिए, आप कार मूव होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, अभी कार जो है वो मूव हो रही है, ये देखिए, अभी इसे मैं फिर से पार्किंग मोड में लेके आता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी आपको पता चल गया होगा कि ये जो शिफ्ट लॉक है वो कैसे वर्क करता है, और इमरजेंसी में अगर आपकी कार जो है, अगर उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो अगर टो भी करने की बात आती है, अगर कार बंद भी हो जाती है, सो आप उसे कैसे टो कर सकते, उसको उसकी आइडिया अभी आपको पता चल गई होगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है यूजफुल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ जो है वो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। सो बाय फ्रेंड्स।